हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं अनुभा और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं घर पर रखे हुए बेसिक सामान से सांभर मसाले की रेसिपी। ये बहुत ही टेस्टी और ऑथेंटिक रेसिपी है। आप इसे कई महीनों तक स्टोर करके भी रख सकते हैं और सांभर में इसे डालने से इसका टेस्ट दोगुना हो जाएगा। तो आइए बनाना शुरू करते हैं सांभर मसाला। तो सांभर मसाला बनाने के लिए हमने यहाँ पर ली है 1 कप चने की दाल, तो ये कच्चे चने की दाल है, और 1 कप हमने ली है उड़द की दाल, तो ये बिना छिलके की उड़द की दाल है। तो आपको जो रेशियो है चने की दाल और उड़द दाल का वो सेम ही रखना है। और इसके अलावा मैंने ली है 1 टेबलस्पून राई के दाने या मस्टर्ड शीट, और मेरे पास कश्मीरी लाल मिर्च नहीं है तो मैंने 1.5 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर लिया है, जो कि सांभर मसाले में बहुत इंपॉर्टेंट होता है कलर के लिए। और मैंने यहाँ पर ली है 1 टीस्पून काली मिर्च। तो याद रहे कि काली मिर्च आपको कम ही डालनी है, बहुत ज्यादा नहीं डालनी है। जितनी आप राई और जीरे डालें उसका 1/4 भाग आपको काली मिर्च डालनी है। और यहाँ पर ली है मैंने 2 लाल मिर्च, तो ये तीखे वाले लाल मिर्च है, इसे हल्का सा तीखापन देने के लिए। और यहाँ पर मैंने लिया है 1 टेबलस्पून साबुत जीरा, और थोड़े से करी पत्ते लिए हैं, और यहाँ पर लिया है मैंने 1.5 टेबलस्पून खड़ा धनिया। राई और जीरे आपको इक्वल क्वांटिटी में डालने हैं, और जीरा और राई बहुत ज्यादा नहीं डाले सांभर मसाले में, नहीं तो आपका मसाले का टेस्ट खराब हो जाएगा। आगे का प्रोसेस शुरू करेंगे। यहाँ पर हमने एक पैन गर्म होने के लिए रख दिया है, और आप एक तवा भी ले सकते हैं। और अब हम इसमें डालेंगे अपने चने के दाने, इसे हमें अच्छे से भूनना है। गैस का फ्लेम हम लो रखेंगे, लो फ्लेम पे इन्हें अच्छे से रोस्ट करेंगे। दाल को भूनते हुए 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, और इसका हल्का सा कलर भी चेंज हो गया है, और दाल से खुशबू भी आने लगी है भुनने की। अब हम इसे निकाल लेंगे, उड़द दाल ऐसे ही भूनेंगे, इसे भी हम अच्छे से 2 से 3 मिनट भून लेंगे लो फ्लेम पर। उड़द दाल भी अच्छे से भुन गई है, इसका कलर भी चेंज हो गया है, और इसे भी हम निकाल लेंगे। अब हम डालेंगे काली मिर्च, राई के दाने, जीरा, करी पत्ता, धनिया। सारे मसालों को हमें लगभग 1 मिनट तक ही अच्छे से भूनना है, ज्यादा नहीं भूनेंगे। गैस को बंद कर देंगे और इन्हें भी निकाल लेंगे, और इसमें हम मिला देंगे लाल मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। अगर आपके पास जो कश्मीरी लाल मिर्च साबुत है आप उसको भी ले सकते हैं। इसमें डालेंगे हींग, हींग सांभर में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं यहाँ पर 1/2 टेबलस्पून हींग डाल रही हूँ। 1 टीस्पून डालेंगे इसमें हम हल्दी पाउडर। सारे मसालों को हल्का सा ठंडा हो जाने के बाद हम इन्हें पीसेंगे। एक मिक्सर का बड़ा वाला जार लेंगे और इसमें हम अपने सारे मसाले डाल देंगे, इन्हें एकदम बारीक पीस लेंगे। मसाला हमने पीस लिया है, इसे हम चेक करेंगे। तो देखिए कितना बारीक पिसा है और बहुत अच्छा कलर आया है, एकदम मार्केट के जैसा। और ये देखिए कितना बारीक है ये, अब हम इसे निकाल लेंगे। सो फ्रेंड्स, हमारा सांभर मसाला बनकर है तैयार, और आप इसे कई महीने तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। ये बिल्कुल भी खराब नहीं होगा, और इससे आपके सांभर का टेस्ट दोगुना हो जाएगा। बस आपको इसमें एक चीज का ध्यान रखना है कि आपको मसाले बहुत ज्यादा रोस्ट नहीं करने हैं, नहीं तो इनका टेस्ट खराब हो जाएगा। सो आप इसे सांभर में डालिए और इंजॉय कीजिए। फीडबैक में हमें बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। आई होप कि आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।